रात्रि में मेरी गश्त ड्यूटी थी तो मोबाइल में चलते हुए सूरसागर बैंक के सामने लोगों ने बताया कि यहाँ रिपोर्ट देखा गया है, जिस पर मैंने इस सामने लगे दुकान के कैमरों को चेक किया और उसमें सीसीटीवी फुटेज में इसकी तस्वीर कैद हुई है, जिस पर कंट्रोल रूम को बताया और कंट्रोल रूम को बताकर अपने अधिकारी रात्रि गश्त में थे छवि मैडम और अपने नितिन दवे साहब, उनको अवगत कराए, वो भी मौके पे आए। बाद में हमारे SHO मांगीलाल जी विश्नोई भी मौके पे आए और वन विभाग की टीम आई है, हमारा रेस्क्यू चल रहा है वन विभाग की टीम के साथ। आपका नाम? सुरताराम, SI सूरसागर थाने से। ठीक है, आपको कब सूचना मिली, क्या आया है और कब से आपने सर्च करना शुरू किया? ये हमें फॉरेस्ट कंट्रोल रूम से सुबह 3:30 के लगभग सूचना मिली थी कि पुलिस कंट्रोल रूम से वहाँ से कोई फ़ोन आया था कि वहाँ पर कोई लेपर्ड की सूचना है। उसी हिसाब से हम लोग जो है सुबह जल्दी हमारे फॉरेस्ट कंट्रोल रूम पहुँचे और वहाँ से जो हमारी रेस्क्यू टीम है पूरी की पूरी वो यहाँ मौके पर पहुँची। मौके पर आने के बाद में हमने जो CCTV फुटेज हैं वो चेक किए, उसके अंदर जब देखा तो हमें कन्फर्म हो गया था कि लेपर्ड है और हम लगातार उसके जो पगमारक और CCTV फुटेज के हिसाब से उसको सर्च करते आ रहे हैं। यहाँ पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, इस मंदिर तक उसके CCTV फुटेज और फुटप्रिंट आ चुके हैं। इसके बाद में भी जो आगे पहाड़ी क्षेत्र है, खाड़ियाँ हैं, उसमें हम लगातार सर्च आउट कर रहे हैं और जैसे ही हमें कंफर्म हो जाएगा जिस जगह, तो हम उसको कोशिश करेंगे ट्रैंकुलाइज करने की, या अगर ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया है या ऐसी जगह कहीं छुप गया है तो पिंजरे इंस्टॉल करेंगे और उसके जरिए जल्दी ही उसको पकड़ लिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम शूटर बंसीलाल सांखला और हमारी जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ में है राजू सिंह जी पाटी। 3:30 के आसपास में ये हमारी गली में आया था और CCTV में आया हुआ है। कौन आया था? ये टाइगर, ठीक है ना। तो रात को कुत्ते भौंके थे तो हमने सोचा भाई मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, वो आया होगा, उसलिए कुत्ते भौंक रहे होंगे। और तो बच्चा तो 2:30 करीब घर के अंदर आ गया, उसके बाद में ये कुत्ते भौंक रहे थे गजब। तो कुत्ते भौंके जब हमने सोचा भाई क्या पता है यार और कोई अजनबी भी आया होगा, उस हिसाब से भौंकते होंगे। अब उसके बाद में तो पता नहीं वो किधर गया, एक पड़ोस में मकान नया बन रहा उधर वो छलांग लगा रहता, पैर पड़े वहाँ अभी भी उनके चिन्ह है पैरों के, एक निशान है। हाँ ठीक है। तो फिर वो बाद में पता नहीं वो इधर तो आया नहीं, ये सीढ़ियाँ चढ़ गया। अभी क्या वन विभाग और पुलिस की टीम आ रखी है? वन विभाग की टीम आई हुई है, ऊपर भी गए हुए हैं पहाड़ी पे, सिपाही भी बाहर खड़े हैं पुलिस के भी और अंदर भी घूम रहे हैं। आपका नाम? और आप लोग भी आए हो? आपका नाम? मेरा नाम रणछोड़ सिंह सांखला, सुभाष चौक।